नमस्कार, मैं हूं पुष्प अलंकार और अभी आप देख रहे हैं राजेश मिश्रा बाहर आया है। आखिर बाहर क्या कारण था जेल में? भ्रष्टाचारियों को कुछ ज्यादा ही हमसे परेशानी हो गई थी, भूमाफियाओं को कुछ ज्यादा ही हमसे परेशानी हो गई थी, जिस कारण वो लोग षड्यंत्र के तहत हमको जेल के अंदर भेजने का काम किए और जिसका परिणाम है ये तो बहुत आभारी हैं हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं का, अपने सभी आरटीआई एक्टिविस्टों का और यहाँ के सामान्य जन नागरिकों का, जिन्होंने हमारे प्रति इतना सहानुभूति रखा, हमारे बात पर विश्वास किया और हमारे लिए आंदोलन किए, जिससे मैं भावुक हूँ, बहुत भावुक हूँ। और आज मैं राजेश मिश्रा मजबूत हुए कि कमजोर हुए? राजेश मिश्रा मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। जो इसके पीछे है अब खुलासा होगा? बिल्कुल, बहुत जल्द इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। क्या आगे करेंगे आप? ये आने वाले समय में पता चल जाएगा माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को कि राजेश मिश्रा क्या कर सकता है और राजेश मिश्रा का संगठन क्या कर सकता है। आप सबके साथ हैं क्या? 15 दिनों तक आखिर क्या मंथन हुआ कि इतना सब किया और इस तरह से 15 दिन तक अंदर रह जाना, अभी आप बाहर, क्या मंथन कहते हैं? इतने दिनों में हमने यही अपने स्तर से प्रयास किया कि आखिर भूमाफिया लोग या भ्रष्टाचारी लोग किस हद तक जा सकते हैं किसी को भी बर्बाद करने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और उससे कैसे बचा जा सकता है। आपकी आवाज यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक गई है और इसके और इस आवाज को वहाँ तक पहुँचाने में यहाँ के काफी लोगों का बहुत ये रहा, क्या कहेंगे? मैं अपने सभी सहयोगियों का कर्जदार हो गया हूँ। तो ये उद्गार है राजेश मिश्रा जी का कि वो कर्जदार हो गए हैं, लेकिन जो लड़ाई है, जो जोश है, वो खरों से कहीं से कम नहीं हुआ है और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और जिस बुलंद आवाज के साथ राजेश मिश्रा आज बाहर आए हैं और जितने बुलंद हैं, इससे लगता है कि जो एक आरटीआई कार्यकर्ता जिस तरह से जो मजबूती है वो बढ़ी है और एक एक्टिविस्ट के रूप में जो उत्साह और जिस तरह से लोग आप देख रहे हैं, कितने लोग आए हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि आखिर कितना भी कुछ हो जाए सच्चाई सच्चाई होती है। विस्मय अलंकार लगातार .in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।